उधर हमास से जारी जंग के बीच इजराइल और लेबनान ने कट्टरपंथी संगठन हिजबुल्ला में भिड़ंत होने के बाद सीमा पर बमबारी शुरू हो गई। हमास के हमले के बाद हिजबुल्ला ने भी इजराइल पर रॉकेट दागे थे। उसने उसकी जानकारी खुद दी थी और लगातार तीसरे दिन उसने इजराइल पर हमला जारी रखा, जिसके बाद इजराइल ने भी जवाब दिया और इजराइल और लेबनान की सीमा पर गोलीबारी शुरू हो गई। रॉकेट दागे जाने और धमाके की तस्वीरें भी आईं, जिनमें आसमान में कई रॉकेट दागे गए, जिन्हें देखकर लगा कि इजराइल और लेबनान की सीमा पर आतिशबाजी हो रही है। यानी एक तरफ इजराइल हमास से लड़ रहा है तो वहीं दूसरी तरफ लेबनान की सीमा पर हिजबुल्ला से जंग चल रही है, जिसके एक नहीं कई वीडियो आए, जिनमें एक वीडियो हिजबुल्ला ने जारी किया और दावा किया कि उसके रॉकेट इजराइल की बख्तरबंद गाड़ियों को उड़ा रहे हैं। तो वहीं इजराइल की ओर से भी जवाब दिया गया। इजराइल की सेना ने बयान जारी किया कि लगातार तीसरे दिन उसने उत्तरी इजराइल में लेबनान के हमले का जवाब दिया, जिसका मतलब यह हुआ कि इजराइल की हमास के साथ साथ हिजबुल्ला से भी जंग चल रही है, क्योंकि हिजबुल्ला केवल लेबनान ही नहीं बल्कि इजराइल की सीमा से लगने वाले कई देशों में सक्रिय है। यही नहीं, इजराइल के सबसे बड़े दुश्मन ईरान से भी हिजबुल्ला की दोस्ती है और वो इजराइल की उत्तर पूर्वी सीमा से लगने वाले सीरिया में बैठा है, जहां से ईरान लेबनान के कट्टरपंथी संगठन हिजबुल्ला तक मदद पहुंचाता है। यही नहीं, हिजबुल्ला के लड़ाके सीरिया की बशर अल असद सरकार की मदद करने के नाम पर इजराइल और सीरिया की सीमा पर सक्रिय हैं। रही बात लेबनान की, तो दक्षिणी लेबनान पर हिजबुल्ला का ही कब्जा है, जहां से वो इजराइल पर अटैक कर रहा है। इसके अलावा फिलिस्तीन और जॉर्डन में भी हिजबुल्ला के लड़ाके सक्रिय हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि इजराइल के लिए हिजबुल्ला हमास से बड़ा खतरा बन सकता है, क्योंकि हमास ने तो केवल गाजा पट्टी से हमला किया लेकिन हिजबुल्ला सीरिया, लेबनान, जॉर्डन और फिलिस्तीन, इन चारों देशों से इजराइल पर अटैक कर सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो इजराइल और हमास की जंग से भी बड़ा युद्ध हो सकता है, क्योंकि हमास के हमले के बाद हिजबुल्ला ने बिना देर किए हमास का समर्थन किया और अगले ही दिन उत्तरी इजराइल में रॉकेट दागने शुरू कर दिए। यानी इजराइल और हिजबुल्ला के बीच जंग का माहौल बन गया। वैसे हिजबुल्ला को हमास से ज्यादा ताकतवर माना जाता है और हिजबुल्ला दावा करता है कि उसके संगठन में 1,00,000 लड़ाके शामिल हैं। यही नहीं, वो 2006 में इसराइल की सीमा में घुसकर 35 दिन तक युद्ध तक कर चुका है, जिसमें उसने इसराइल के 150 लोगों की हत्या की थी और सैकड़ों रॉकेट दागे थे। और हमास के हमले के बाद हिजबुल्ला फिर उसी मूड में नजर आया, जो इसराइल के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि छोटा सा इसराइल दुश्मन देशों से घिरा हुआ है और उसकी सीमा से लगने वाले ज्यादातर देशों में हिजबुल्ला सक्रिय है। इसराइल और लेबनान 130 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं और इसी इलाके में संयुक्त राष्ट्र का शांति मिशन चल रहा है, जिसमें दूसरे देशों के सैनिक भी तैनात हैं। और इसीलिए इसराइल को गाजा से ज्यादा इस मोर्चे की चिंता है, जहां 1,00,000 लड़ाकों वाले संगठन हिजबुल्ला ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया है। और लेबनान के कट्टरपंथी संगठन हिजबुल्ला को इसराइल के सबसे बड़े दुश्मन ईरान का समर्थन हासिल है, जहां से उसे हथियार और आर्थिक मदद दोनों मिलते हैं, जिनके दम पर उसने इसराइल को आंखें दिखाई और इसराइल और लेबनान बॉर्डर पर रॉकेटों की बारिश कर डाली, जिसकी वजह से लगने लगा कि इसराइल के इस बॉर्डर पर किसी भी वक्त भयंकर जंग शुरू हो जाएगी। हिजबुल्ला 1975 से 1990 के बीच लेबनान में हुए गृह युद्ध के दौरान अस्तित्व में आया था और कहा जाता है कि इसे बनाने वाला ईरान ही है, जिसमें शिया मुसलमान हैं और ईरान भी शिया बहुल देश है, जिसकी वजह से वो हर मोर्चे पर हिजबुल्ला की मदद करता है और हिजबुल्ला के हथियारों की संख्या बढ़ा रहा है। इसराइल ने तो ये तक दावा किया कि हिजबुल्ला के पास 1,00,000 से ज्यादा मिसाइलें हैं, जिनमें लंबी दूरी की मिसाइलें शामिल हैं, जिनकी रेंज में पूरा का पूरा इसराइल आता है। यही नहीं, हिजबुल्ला के पास एयर डिफेंस सिस्टम और ड्रोन भी हैं। इसराइल कहता है कि हिजबुल्ला को ये सारे हथियार ईरान ने दिए हैं, जिनमें खतरनाक ड्रोन भी शामिल हैं, जो इसराइल के गले की हड्डी बन सकते हैं, क्योंकि यूक्रेन जंग के दौरान ईरान ने कई खतरनाक ड्रोन बनाए। कुछ दिन पहले तो उसने एक ऐसा युद्ध अभ्यास किया था जिसमें केवल और केवल ड्रोन शामिल थे।